क्यों क्या हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। ये जो किसान की रोती बिलकती तस्वीर है, ये उस मध्य प्रदेश की है जहां पर नई नई आई सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि सरकार आते ही किसान खुशहाल हो जाएंगे और किसानों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर ये तस्वीर आपके सामने है जो कई चीजें भया कर रही है और प्रशासन पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है। एक बार और सुनिए इस रोते बिलकते किसान की। रो क्यों रहे हो तुम लोग? क्यों क्या हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या हो गया? ये तो हो क्या गया? क्या करना था सुपरवाइजर? किसान पार हम नहीं धर रहा, आज मैंने कर रहा हूँ, 6.5 महीने रुपये ले हो गए। कौन सा सुपरवाइजर है? पीटर बजाता, बिहार का है रहने वाला। वो क्या नाम है आपका? मेरे अजीत नाम है। अजीत आगे क्या लिखते हैं? अजीत। तो कहाँ, कौन से गांव के हो? रिनाय रहते हैं साहब। मैं रिनाय रहते हो? तो मतलब ट्रांसफार्मर न रखे जाने से तुम्हारा क्या कहते हैं, फसल सूखने की कगार पे सच्चाई नहीं? मैं धक्का लग रहा हूँ, जहाँ मालूम हो जो मालूम के पंख बनाएंगे रानी में बस गला भी कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर साहब कितनी देर से खड़े हो? कलेक्टर साहब ने सुनवाई की क्या? इस वीडियो को देखकर एक बार तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के पीछे की जो असल सच्चाई है वो काफी हैरान करने वाली है। दरअसल दिल दहलाने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रिनाय गांव के किसान का है जो लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों की मार झेल रहा था। लेकिन जब ये किसान अधिकारियों की वसूली और अत्याचार से तंग आ गया तो फिर अपनी गुहार लेकर जिले की कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचा। वहां कलेक्टर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन कलेक्टर साहिबा अपनी गाड़ी में बैठकर जांच का आश्वासन देकर निकल गई। पानी इतना है, 2 साल के लिए पीने के लिए भी हो जाएगा, बंद प्राणियों के लिए भी हो जाएगा। बहन जी मेरी सुन लो थोड़ी बात। बहन जी मेरे बड़ा परेशान। और ये किसान वहीं बैठकर रोता रहा। दरअसल किसान का कहना है कि उसने बिजली कनेक्शन के लिए राशि 6.5 महीने पहले ही जमा कर दी थी, मगर उसे कनेक्शन नहीं मिल पाया जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल यह है कि जब किसान ने बिजली कनेक्शन के लिए पैसे 6.5 महीने पहले ही जमा कर दिए तो उसे बिजली कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया? और हाँ, अधिकारियों के ऐसे रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।